नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर खुशबू। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ कंसल्टेंट हूं। आज के वीडियो में हम आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी से जुड़ी हुई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, डे 3 ट्रांसफर वर्सेस ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर। फ्रेंड्स, जो भी दंपति आईवीएफ के लिए प्लान कर रहे हैं, उनके डॉक्टर उन्हें ब्लास्टोसिस्ट और डे 3 एम्ब्रियोस में से कौन सा ट्रांसफर कराना है, इसका चॉइस जरूर। ये दोनों में क्या अंतर है, दोनों में कौन सा अच्छा है, आज के वीडियो में हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, आईवीएफ में ओवम पिकअप की प्रक्रिया के दौरान जैसे ही हम एग्स को आपके शरीर के बाहर निकाल लेते हैं, उस दिन को एग्स के लिए हम डे जीरो मानते हैं। जो एग्स हमने निकाला उसका फर्टिलाइजेशन पुरुष के शुक्राणु से किया जाता है। ये फर्टिलाइजेशन हम प्लेन आईवीएफ से करा सकते हैं या फिर इक्सी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन की मदद से कर सकते हैं। कौन सा मेथड अपनाना चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, इस पे ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुकी हूँ, आप वहां से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने फर्टिलाइजेशन आईवीएफ या इक्सी के माध्यम से कर दिया। फर्टिलाइजेशन अंडों का हुआ या नहीं हम अगले दिन डे 1 पे चेक करते हैं, जिसे हम फर्टिलाइजेशन चेक की प्रक्रिया कहते हैं। यूजुअली अगर हमने आपके 10 अंडे ओवम पिकअप की प्रक्रिया में निकाले हैं तो जो फर्टिलाइजेशन के चांसेस हैं वो 70-80% के आसपास में होते हैं। यानी हमने 10 अंडे निकाले तो 7-8 अंडे हमें फर्टिलाइजेशन के बाद मिलते हैं फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो के तौर पर। पहले जो एग्स हमारे 1 सेल थे, धीरे धीरे करके वो डिवाइड होके 2 सेल यानी 2 कोशिकाएं बन जाती है, फिर 2 से 4, 4 से 6 और 8 सेल्स के जब इम्ब्रियो बन जाते हैं तो यूजुअली जो इम्ब्रियोस उस समय डे 3 के स्टेज पे होते हैं, यानी डे 3 पे हमें 6-8 सेल के इम्ब्रियोस मिलते हैं। ये इम्ब्रियोस जो होते हैं उन्हें हम इम्ब्रियो ट्रांसफर की मदद से अगर गर्भाशय में डाल दें तो प्रेगनेंसी के चांसेस अच्छे होते हैं, इसे ही हम डे 3 इम्ब्रियो ट्रांसफर कहते हैं। अगर हमने डे 3 दिन इम्ब्रियोस को आपके गर्भाशय में ट्रांसफर नहीं किया, अपने लैब में छोड़ दिया कल्चर मीडिया के अंदर, तो जो सेल्स हैं वो धीरे धीरे करके और बढ़ जाते हैं। ये कोशिकाएं मल्टीप्लाई करके 100-150 के आसपास बन जाती हैं और इम्ब्रियोस एक पर्टिकुलर रूप ले लेती है 5वें दिन, जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट का नाम देते हैं। और इन इम्ब्रियोस को जब हम आपके गर्भाशय में ट्रांसफर कर देते हैं तो उसे हम ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर कहते हैं। तो डे 3 इम्ब्रियोस जो हमने ट्रांसफर किए उसे हमने डे 3 ट्रांसफर कहा, और जो 5वें दिन का इम्ब्रियो हमने ट्रांसफर किया उसे हम ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर कहते हैं। और लोगों में कंफ्यूजन होता है कि डे 5 इम्ब्रियोस ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर ही अच्छा ट्रांसफर है। फ्रेंड्स, यस, टू सम एक्सटेंट यस, बट बिल्कुल ऐसा एब्सोल्यूट नहीं है। बहुत ज्यादा डे 3 और डे 5 ट्रांसफर के रिजल्ट्स में डिफरेंस नहीं होता है। आप पेशेंट सिलेक्शन करके भी ब्लास्टोसिस्ट किसे देना है और डे 3 किसे देना है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ब्लास्टोसिस्ट में कुछ एडवांटेजेस होते हैं। ब्लास्टोसिस्ट वो एम्ब्रियोज हैं जो सेल्फ सिलेक्शन से 5वें दिन तक पहुंचे हैं। हमने जो इस सफर की शुरुआत की थी, एम्ब्रियोज बनने की शुरुआत की थी 10 अंडों के साथ सपोज की थी, तो जो ब्लास्टोसिस्ट बनने की दर होती है वो सिर्फ 20-25% के आसपास में होती है। यानी 10 अंडे से हम 2-3 मैक्सिमम ब्लास्टोसिस्ट यूजुअली निकाल पाते हैं। लेकिन वो इम्ब्रियोज होते हैं जो सेल्फ सिलेक्शन से सबसे, समझो कि सबसे लड़ के डे 5 तक पहुंचे हैं, तो ऑब्वियसली इनकी जो क्वालिटी होती है वो अदर इम्ब्रियोज अगर हम डे 3 की ट्रांसफर करें उससे कुछ परसेंटेज बेटर होती है। प्लस डे 5 में ब्लास्टोसिस्ट में इम्ब्रियोनिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, इसलिए ओवरऑल जो ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन है गर्भाशय में चिपकने का रेट है वो 6-7% डे 3 इम्ब्रियोस के कंपैरिजन में ज्यादा है। यस, 6-7% इम्प्लांटेशन बेटर है इन ब्लास्टोसिस्ट कंपेयर टू डे 3। प्लस अगर हम ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर करते हैं तो यस, मल्टीपल प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि जब हम डे 3 ट्रांसफर करते हैं तो एवरेज ऑन एन एवरेज ऑल ओवर इंडिया 3-4 एम्ब्रियोज जो है यूटरस के अंदर ट्रांसफर किए जाते हैं।
अगर चारों के चारों इन केस ब्लास्ट में पहुंच जाए तो मल्टीपल प्रेगनेंसी के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, जबकि हम ब्लास्ट जब ट्रांसफर करते हैं तो सेलेक्ट करके सिर्फ एक या दो ब्लास्ट ट्रांसफर करते हैं। इससे जो हायर ऑर्डर प्रेगनेंसीज है ट्विन ट्रिपलेट के चांसेस कम होते हैं। ये ध्यान देने की बात है कि यूजुअली जो आईवीएफ में हम पहले ज्यादा एम्ब्रियोस ट्रांसफर करते थे, लेकिन इससे ट्विन और ट्रिपलेट की दर ज्यादा होती थी, जिससे कि जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा होते थे, उसको अवॉइड करने के लिए हम अब कम से कम एम्ब्रियोस ट्रांसफर करते हैं, जिससे कि हमारा प्रोसीजर सक्सेसफुल भी हो जाए और जो मल्टीपल प्रेगनेंसीज है उसकी रेट कम हो जाए। तो यस, टू सम एक्सटेंट ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर बेटर होता है, लेकिन जो ब्लास्ट हम लैब में बनाते हैं, ब्लास्ट को बनाने के लिए आपकी जो लैब कंडीशंस है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर ऐसा लगता है कि आपकी लैब कंडीशंस, जो आईवीएफ लैब की कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं है, तो बेटर है कि डे थ्री ट्रांसफर कराया जाए। डे थ्री ट्रांसफर में रिजल्ट अच्छे होते हैं। या फिर आपके जो एग है, आपके एग कम है, आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ डे थ्री में सिर्फ 3 से 5 एम्ब्रियोस के आसपास हमें मिलने वाले हैं, आपके डॉक्टर ने आपको बताया कि डे थ्री के जो है आपके पास सिर्फ 4 से 5 एम्ब्रियोस है, ऐसे केसेस में चांसेस होते हैं कि अगर हमने उसे ब्लास्ट तक उन एम्ब्रियोस को जाने दिया तो मे बी हमें एक ब्लास्ट भी ना मिले। लेकिन अगर हम उसे आपके गर्भाशय में ट्रांसफर कर दे तो जो यूट्रस की जो इन्वायरमेंट को पा के उसे जब ऐसा कंडीशन मिलता है, अच्छा कंडीशन मिलता है गर्भाशय का, तो वो ग्रो कर जाती है और वहां इम्प्लांटेशन के चांसेस अच्छे होते हैं। तो अगर हम कम एग और कम डे थ्री एम्ब्रियोस एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो डे थ्री ट्रांसफर इज अ वेरी गुड ऑप्शन, और आप डे थ्री ट्रांसफर कराएं। वैसे केसेस में डे थ्री के रिजल्ट ब्लास्टोसिस ट्रांसफर से डेफिनेटली बेटर है, क्योंकि साइकिल कैंसिलेशन के चांसेस उसमें बहुत ज्यादा होते हैं, मे बी कि आपने डे थ्री छोड़ा एम्ब्रियोस और डे फाइव पे कोई एम्ब्रियोस मिलेगा ही नहीं। तो पुअर एग क्वालिटी अगर होती है, एग नंबर, एम्ब्रियोस नंबर अगर आपके कम है तो डे थ्री ट्रांसफर कराएं। अगर आपके लैब का स्टेटस बहुत अच्छा नहीं है तो आप डे थ्री ट्रांसफर के लिए ऑप्ट कर सकते हो। यंग पेशेंट्स मिनिमल स्टिमुलेशन के साथ, जहाँ पे ट्यूबल ब्लॉकेज जैसे या इजोस्पर्मिया जैसे फैक्टर हैं और आईवीएफ करा रहे हैं, वैसे केसेस में भी डे थ्री ट्रांसफर से उनके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। डेफिनेटली ब्लास्टोसिस ट्रांसफर एडवांस्ड एज की महिलाओं में, जहाँ पे प्रीवियस मल्टीपल आईवीएफ फेलियर्स हुए हैं, जहाँ पे डे थ्री ट्रांसफर किया गया था और रिजल्ट्स नहीं आए हैं, तो डे फाइव ट्रांसफर उनके लिए ज्यादा अच्छा ऑप्शन है कम्पेयर टू डे थ्री ट्रांसफर। लेकिन आपको कौन सा एम्ब्रियो ट्रांसफर कराना चाहिए, डे थ्री का या ब्लास्टोसिस, ये आपके क्लिनिकल स्टेटस और आपके जो आईवीएफ सेंटर में आपके कंसल्टेंट जो एडवाइस करते हैं उसके अनुसार अपने डिसीजन को लेना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।